तो बोला, वो तो सरप्राइज करने लगा, बोला बेटा ये तो सुना था घी में ताकत होती है, लेकिन ये नहीं मालूम था, ये तो मालूम था घी में ताकत होती है, लेकिन ये नहीं मालूम था साला रेल नहीं रोक देगा। एक दिन मैं अपने सीए साहब से पूछा, मैं बोला भाई इस साल में आप मेरा एक फॉर्म 16 होता है, 26 ईयर्स होता है, फॉर्म 26 ईयर्स, ये टीडीएस कटते हैं ना, जो मतलब टीडीएस जो भी कटता है वो हमारे गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, इनकम टैक्स की डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे वो सब रिफ्लेक्ट होता जाता है, इसमें इतना इसके खाते में पैसा गया, इतना टीडीएस कटा, इतना खाते में पैसा गया, इतना टीडीएस कटा, तो हमारा एक नंबर का सब रहता ही है, तो टीडीएस कट के आता ही है, तो टीडीएस कट के मैंने बोला एक बार मेरे को भेजना इस साल का क्या आवक रही और क्या उसमें टीडीएस कटा। तो मैंने देखा कि यहाँ पे ये फिगर लिखा हुआ है कि कितना आया सेफ सोफ से, बाकी देखो कई जगह से आता है, बैंक से भी ब्याज मिलता है, सही है, और भी कहीं से इधर उधर से आता रहता है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है तो उसका मतलब अश्योर्ड रिटर्न वगैरह रहता है, उनका भी रहता है, तो ये है सिर्फ सेफ सोफ का, इसमें लिखा है सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन बिजनेस लिमिटेड, सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, तो इसका लिखा था, इसका मैंने फिगर देखा, ये फिगर क्या है, ये फिगर था 3,18,503,500 दिया है, और दिया कितने दिन में, 10.5 महीने में, क्यों, क्योंकि हमारे जब लॉकडाउन लागू हुआ था तो 47 दिन तक हमारी जो साइट थी डाउन रही थी, सही है, हमारी जो वेबसाइट थी डाउन कर दी थी, तो हमारे डायरेक्टर्स बोलते हैं कि देश की सुरक्षा सबसे पहले है, सही है, क्योंकि साइट चालू रखेंगे तो लोग एक्साइटमेंट में काम करने की कोशिश करेंगे रोज, उस टाइम पर महामारी और ज्यादा ना फैले, तो साइट डाउन थी 47 दिन के लिए, तो 365 दिन थे 2020-21 में, तो 365 दिन में से अगर 47 दिन घटा देंगे तो दिन कितने बच गए वर्किंग के लिए, 318 दिन बच गए, और 318 दिन में रोकड़ा कितना आया, 3,18,03,508, यानी कि पर डे का 1,00,000। और मैं इस बिजनेस की थोड़ी पावर आपको और बता देना चाह रहा हूँ कि जो बंदा 250 रुपए की नौकरी से शुरुआत किया जिसने अपने करियर को, उस बंदे का अभी कितना पोटेंशियल है इस बिजनेस में, मैं तो सोच सोच के ना मतलब कई बार खुद ही हैरान होता रहता हूँ कि मैं बोला यार ये तो मालूम था इस बिजनेस में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में दम होता है, लेकिन इतना दम होता है ये नहीं मालूम। यस और नो? यस। यस और नो? यस। एक बार क्या हुआ, एक बुजुर्ग आदमी था और उसका बेटा फौज में भर्ती हो गया, तो बड़ा एक्साइटेड होते हैं, सबको मालूम है सारे लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, तो और हरियाणा में ऐसी है कि चलन है कि जैसे बेटा फौज में भर्ती हो गया तो उसको कहीं बेटे को कमजोरी ना आ जाए इसलिए घी पहुंचाते हैं, क्या पहुंचाते हैं, घी। तो एक बुजुर्ग आदमी ने 15 किलो का घी का पीपा भरा और अपने बच्चे को देने के लिए निकल लिया, रेल के माध्यम से अपने बच्चे को जाने के लिए उसके ट्रेनिंग सेंटर में के लिए निकल लिया, तो जब ट्रेन में बैठा तो जनरल डब्बे में बैठा बेचारा, तो जनरल डब्बे में बैठा भीड़ तो बहुत रहती, तो उसने सोचा यार पीपे में घी है कहां रखूं इसको, तो ऊपर भी आपको तो पता है जनरल डब्बे में जहां सामान रखने की जगह होती है वहां भी लोग लेट जाते हैं, सही है, तो उसने क्या किया कि साइड में चेन सी दिखाई दी लाल लाल सी और चेन से बांध लिया, और ट्रेन चल रही थी थोड़ी देर तक ट्रेन ने भी ऐसे कर करके रुक गई, जीआरपी वाले थोड़े थोड़े आए, बोला चैन किसने खींची, चैन किसने खींची, सबने बोला बुढ़े ने काटा है रोक। अभी वो बुढ़ा उसको पूछे उसमें रेलवे पुलिस वालों ने पूछा, आरपीएफ वालों ने बोला भाई बाबा बोला आपने चैन खींची है, बोला ना भाई पहले तो चैन नहीं खींची, बोला पीपा किसका है, बोला पीपा तो मेरा, बोला इसमें क्या है, आपके इस पीपे की वजह से हमारी ट्रेन रुकी है,
तो बोला, वो तो सरप्राइज करने लगा, बोला बेटा ये तो सुना था घी में ताकत होती है, लेकिन ये नहीं मालूम था, ये तो मालूम था घी में ताकत होती है, लेकिन ये नहीं मालूम था सारा रेल नहीं रोक देगा। तो इस बिजनेस में कितनी ताकत है, मैं एक दिन खुद ही सरप्राइज हो गया। एक दिन मैं अपने सीए साहब से